हरे। तो कैसे मेरे सभी दोस्त, मेरे किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं डिनर की रेसिपीज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो दो ऐसी रेसिपीज शेयर करूंगी जिससे आपको ना पालक से प्यार हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं फिर। जब कभी भी नया खाने का कुछ मन हो तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। तो यहाँ मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है और इसे मैं ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी जिससे ये बहुत ही आसानी से मैश हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। तो 200 ग्राम पूरा पनीर मैंने ग्रेट कर लिया है और यहाँ लिए पालक। तो पालक के पत्तों को बहुत ही बारीक काट लिया है मैंने, अच्छे से धो के सुखा के उसको कट कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे सारे मसाले, तो वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने मिर्च लिया है, धनिया लिया है, चाट मसाला लिया है, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर और नमक। और आप थोड़ा बहुत अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा कि टेस्ट आपको खाना पसंद है। तो ये सारे मसाले डालेंगे तो जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो बिल्कुल भी फीकी फीकी नहीं लगेगी। और इसमें लिया है मैंने ये कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदा का यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया था, उसमें से मैंने 2.5 चम्मच लगभग डाल दिया है। और आप थोड़ा थोड़ा करके डालें, उसको अच्छे से डो तैयार करें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जब डो बंधने लगेगा अच्छे से तो बस उतना ही कॉर्नफ्लोर हमें डालना है। तो यहाँ 2.5 चम्मच लगभग कॉर्नफ्लोर लगाएं और ऐसे इसका रोल बना के देखें और जैसा भी आपको शेप पसंद है बना लें। यहाँ मैं आपको गोल शेप बना के दिखा रही हूँ और क्रैक्स वगैरह नहीं आने चाहिए इसमें। तो यहाँ एक छोटा सा बना लिया है मैंने। अगर इसको तेल में डाल के देखूँगी अगर हम फटेगा तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और मिला लेंगे इसमें। और यहाँ मैं कुछ गरम मसाले ले लेती हूँ, यानी खड़े गरम मसाले। तो यहाँ मैंने 2 छोटी इलायची ली, 1 बड़ी इलायची लूँगी, कुछ लौंग लूँगी, कुछ थोड़ी सी काली मिर्च लूँगी और 1 स्टार लिया है, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा लिया है। इन सारी चीज़ों से ना फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आएगा। और 1/2 चम्मच तेल में मैंने ये सारे मसाले डाल दिए, बस थोड़े से इनको भूनेंगे इन मसालों को और उसके बाद ये बड़ा बड़ा कटा हुआ प्याज डाल देंगे इसमें। और प्याज का कलर हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, बस ट्रांसलूसेंट होनी चाहिए ये प्याज। और फिर इसके बाद 6 से 7 काजू मैंने इसमें ऐड करें, 2 लहसुन, और लहसुन बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसका बहुत अलग सा फ्लेवर आएगा, आप चाहें तो ना भी करें। और यहाँ मैंने छोटी सी बॉल को सेक के देखा, बिल्कुल परफेक्ट है। और थोड़ी सी जब प्याज मेरी भुन गई थी तो उसमें मैंने पानी डाल दिया, तो यहाँ लगभग 4-6 चम्मच पानी डाल दिए या फिर छोटी 1/2 कटोरी पानी डाल दीजिए आप। और अच्छे से उसको सॉफ्ट होने दीजिए प्याज को। और यहाँ तब तक हम तैयार कर लेंगे अपने कोफ्ते। तो मैं यहाँ कोफ्ते बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ मैंने सिलेंड्रिकल शेप दिया है इसको, तो आप अपने शेप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। पहले मैंने सोचा था गोल बनाऊँगी लेकिन फिर मेरा मन चेंज हो गया। और इसके अंदर मैंने छोटे छोटे से काजू के पीसेस भी डाले जिससे ना ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो बिल्कुल बारीक काट के इसके अंदर आप कुछ भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है, साथ में देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और इम्प्रेशन भी बहुत अच्छा पड़ता है जब अगर आपके यहाँ गेस्ट आए हो तब आप इन्हें बनाएं। सच में बिल्कुल अलग से कोफ्ते हैं और टेस्ट इनका बहुत ही अमेजिंग है। तो एक बात आप इसे ज़रूर बना के देखें और अगर पसंद आए आपको ये रेसिपी तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यहाँ देखिए मेरी प्याज वगैरह ये सब ठंडी हो चुकी है, तो इसमें से जो खड़े गरम मसाले थे जैसे बड़ी इलायची या दालचीनी, उसका फ्लेवर पूरा आ गया था तो मैंने उसे निकाल दिया और फिर इसका एक बहुत ही अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बना लिया। और यहाँ मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से शेक करके निकाल लूँगी जिससे कि सारी ग्रेवी इसमें से निकल आए और पानी भी इसमें थोड़ा सा ऐड हो जाएगा जिससे कि अच्छे से भुन पाएगी। तो बस अब इसे धीमी आंच पे इसे अच्छे से हमें भून लेना है, लेकिन इसका बिल्कुल ऐसे कलर ब्राउन नहीं होना चाहिए। और इसके बाद हम इसमें बिल्कुल फ्रेश दही 1 चम्मच मैंने ऐड करा है, 1 बड़ी चम्मच, चला देंगे उसे जिससे कि दही फट ना जाए। और फिर हम मसाले ऐड करेंगे, तो मसाले में ये धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, साथ में भुना हुआ जीरा ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने जो हरी मिर्च है वो पहले ऐड कर दी थी पीसते वक्त, इसलिए हम इसमें लाल मिर्च नहीं डालेंगे, इससे इसका कलर ख़राब हो जाएगा। और यहाँ बस 1 चम्मच मैंने इसमें मलाई डाली है, इससे बड़ा ही रिच टेस्ट और रिच लुक आ जाएगा इसका। तो यहाँ पे बस ये चीज़ें आप ज़रूर डालें। और इस ग्रेवी में मैं हल्दी या लाल मिर्च का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करूँगी, हरी मिर्च मैंने चटपटा होने के लिए डाल दिए, तो बस बहुत ज़्यादा चटपटा इसे नहीं बनाते।
सर्विंग ट्रे पे अपने कोफ्ते लगा लेंगे। पहले से कोफ्तों में इसे बिल्कुल भी नहीं डालना है और ग्रेवी को कर लेंगे गरम। तो यहाँ मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। जितनी भी आपको थिक रखनी हो ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग रख ले। और बस इसमें मैंने गुनगुना सा पानी ऐड कर दिया और थोड़ा खौलाएंगे इसको अच्छे से। तो बस पहले मैंने पानी ऐड नहीं करा था इसमें। और इसको अच्छे से गर्म करने के बाद ग्रेवी को हम अपने कोफ्तों के ऊपर डाल देंगे। तो जब भी आपको सर्व करने हो कोफ्ते तो ग्रेवी को गर्म करें और कोफ्तों के ऊपर डाल दें। पहले से डाल के बिल्कुल भी ना रखें क्योंकि ये कोफ्ते ना अल्टीमेट सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो ये बहुत ही अल्टीमेट रेसिपी है, एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। और पसंद आए तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि मैं और ऐसी नई नई रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहूं। तो ये लीजिए हमारे बहुत ही टेस्टी से पनीर पालक कोफ्ता बनके तैयार है। और दूसरी रेसिपी मैं यहाँ पालक की एक और बना रही हूँ। तो उसको मैंने पालक को बॉईल कर लिया, खुला ही बॉईल करेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड करके। उसके बाद फिर इस पर ठंडा पानी डाल देंगे जिससे कि इसका कलर जो है बिल्कुल एकदम ओरिजिनल कलर जैसा होता है ग्रीन पालक का वैसा रहेगा। साथ में हमने यहाँ 2 चम्मच मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, उसमें थोड़े से लहसुन कट करके डाले, थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज डाली है। और अब इसको भी ट्रांसलूसेंट हो जाने तक पकाएंगे, बहुत इसका भी कलर चेंज नहीं करना है। थोड़ी सी हल्दी डाली है 1 पिंच, थोड़ा 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। बस इसमें भी बहुत सारे मसाले नहीं पड़ते। तो यहाँ आप 1 चम्मच दही या 1 चम्मच मलाई ऐड कर दें। तो बस उस कटोरी में थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ऐड कर दिया इसमें, जिससे कि ना मसाले बहुत अच्छे से भुन जाएंगे। और बस इसमें पनीर जो पालक की सॉरी ग्रेवी थी उसको डाल देंगे। थोड़ा पानी डाल के इसमें निकाल लेंगे जार में से, जिससे कि सारी की सारी ग्रेवी हमारी निकल आए। नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। छोटे छोटे पनीर मैंने पीसेस में काट के इसमें डालें जिससे कि बच्चे बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाते हैं। बड़े पालक सॉरी पनीर के पीसेस को बच्चे अच्छे से खा नहीं पाते, तो इसलिए मैंने छोटे छोटे कट करें। और लच्छे वाली प्याज। और ये लीजिए हमारी बहुत ही टेस्टी डिनर की थाली तैयार है, या फिर लंच की थाली तैयार है। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।